नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फॉर्म गद्दा फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में 5 मजदूर झुलसे, 3 गंभीर। कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर फंसे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एसपी बीबी जीटीएस मूर्ति मौके पर पहुंचे। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में एक फॉर्म गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे मौके पर पहुंचे हैं। वहीं दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जाँच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग की लपटों ने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी। दमकल कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तेजी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। रनिया क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है, क्या घटना है सर? आज थाना रनिया क्षेत्र अंतर्गत एक आर के पॉलीपैक उनके एक फोम फैक्ट्री है, जो यहाँ पर लोग पॉपुलरली इसको गद्दा फैक्ट्री बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसमें आग लगी है। तत्काल मौके पर मैं बाकी सक्षम अधिकारी, फायर यूनिट, फायर ब्रिगेड्स अन्य सारे आ गए और आग फिलहाल नियंत्रण हो चुकी है। अभी फिलहाल आग बिल्कुल नहीं है। करीब 7 लोगों की हमें जानकारी है, जो थोड़ा बहुत झुलसे थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बड़ी 3 शेड है जो गिरी हुई है और उसी को हटाने की कोशिश हो रही है। एसडीआरएफ से भी बात हो रही है, एसडीआरएफ टीम भी आ रही है। बाकी हमारे तरफ से जो फायर यूनिट, हमारे पास जो भी साधन संसाधन, उससे त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो भी विषय सामने आएगा आपका अवगत कराएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।